सो चलो भाई लोग, मैं वापस आ गया हूँ विद अपने तड़कते भड़कते कंटेंट के साथ। सो इस में लाइट पास बताऊंगा मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें इमोट्स भी हैं एंड बताऊंगा कि सामुराई वाला बंडल कब आ रहा है और वो किस डेट को आ रहा है। पॉसिबल कन्फर्म एंड हो चुका है सब कुछ इंडियन सर्वर के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक देखना, लाइक कमेंट कहने के लिए। अब जैक वापस आने नहीं वाला, सो तुम लोग मेरी बात मानो और सुनो और कर दो जल्दी से, वरना मेरी गालियां तो हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को इलाइट पास के साथ। इतनी जल्दी कैसे, इलाइट पास थोड़ी ना दिखाना है अभी, अभी कुछ और ही देखना है। चलो देखो। सो गाइस, ये उड़ने वाला दिख रहा तुम्हें? ये इतना ही औसम है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा, एनी मोड्स भी आने वाले। ये भी बहुत ही ज़्यादा कूल एंड सरप्राइजिंग लगा मुझे, जैसे कि करीना की थिंकिंग है, मतलब कैसे क्लाउड में बैठ के भाई एनिमेशन वाली एंट्री हो रही है भाई, एकदम जलवा है भाई करीना का। सो चलो गाइस, इमोट की तरफ बढ़ते हैं एंड तीन चार इमोट है जो मैं कवर नहीं किया था पिछली वीडियो में। सो इस वीडियो में वो सारे के सारे इमोट मैं कवर कर दूंगा, बहुत ही मस्त ओपन इमोट है। सो जैसे तुम देख सकते हो, ग्रेट कंडक्टर वाला इमोट है, ये मुझे समझ नहीं आया बस कुछ। और ये फेक डेथ वाला इमोट है जो कि लाइट पास में तुम्हें देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। और ये रेडिकुलस इमोट है भाई, भाई 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 कैसे कैसे इमोट्स आ रहा है भाई, करीना कैसे कैसे इमोट्स दे रही है यार, कुछ भी करो वो इमोट बन जाता है। यानी कुछ एक्शन करते हैं वो इमोट, उसका मतलब इमोट ही होता है। लेकिन ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दो भाई, वो अपनी कान मटका रहा है, वो अपनी वो दिखा रहा है, वो अपनी वो कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, करीना सोच समझ के देती होगी। एंड चलो अगले ही क्या किसकी तरफ चढ़ते हैं, अपडेट की तरफ ही चलेंगे भाई, और किसी की तरफ नहीं चलने वाले। मैं थिंकिंग जहाँ तक है आगे बढ़ो यार भाई, देख रहे हो ना तुम सब लोग, आंखों से देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला बंडल है वो वापस आने वाला है। तुम्हें पता नहीं होगा बट आने वाला है, और बहुत ही मतलब कि खुशी हो रही होगी अंदर से, क्योंकि ये रेयर बंडल है एंड बहुत ही थोड़े कम लोगों के पास होता है। और ये ग्रीन वाला बंडल तो मतलब सॉरी ग्रीन वाले नहीं, रेड वाला, ये सबके पास ही होगा। ये रेड वाला जो फीमेल वाला बंडल है, जिनके पास डायमंड होगा उनके पास होगा, क्योंकि वाला बंडल पिछले वाले साल मैंने निकाले नहीं था, क्योंकि क्या ही बोले क्या क्या हो गया था, तुम्हें पता ही होगा। छोड़ो फिर एंड चलो नेक्स्ट वाले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है करीना के लिए, मोको स्टोर रेयर आइटम्स ला रहे हैं लोग, इंडियन सर्वर को कर दे रहे हैं। सो भाई लोग, नेक्स्ट वाला बंडल जो है ना, उसे देख के तुम लोग बोलोगे अरे ये क्या हो गया, ये जुड़वा भाई तो नहीं आ गया इसका। सो मतलब कि ये कैरेक्टर्स का बंडल है, करीना ने ऐसी आग बंद करके डिज़ाइन कर दिया, उसकी फ़ोटो मतलब आई मन में तो उन्होंने बना दिया एंड वो सही नहीं लगा मुझे भी, काफ़ी हद तक उस बंडल की कॉपी लगी है। चलो फिर एंड उस बंडल को तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि वो बंडल किसकी कॉपी, कौन से किस कैरेक्टर के बंडल की कॉपी है। तो देखो फिर आ जाओ, देखो ये रहा वाला बंडल, देख लो अपनी आंखों से ही देखो तुम लोग, नहीं देख ही लो तुम लोग। एंड जहाँ तक मैं बोलूँ ये बंडल थोड़ा बहुत कॉपी है, कौन से कैरेक्टर का है वो मैं नहीं बताऊँगा, वो तुम लोग अपने कमेंट सेक्शन में करो मुझे कमेंट एंड उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगा। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लगा ये, थोड़ा कॉपी लगा एंड कॉपी वाली चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, एकदम अच्छी नहीं लगती। सो रिव्यू अगर करें इसका तो इसके हेयर भी कुछ काफ़ी ठीक ठाक ही हैं एंड ज़्यादा ठीक ठाक नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट बंडल की तरफ बढ़ते हैं जो है फीमेल वाला बंडल। तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि अनीता नया कैरेक्टर आने वाला है, फ्री फायर का नया कॉलैब होने वाला है। अगर तुम लोगों को पता है तो वेलिंगो, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसको पता किसको नहीं था। सो ये वाला कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा सही होगा, इनकी एबिलिटीज़ मैं तुम लोग को बाद में बता दूंगा। और ये बंडल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, जो इसमें लेपर्ड एंड का मिक्सअप थोड़ा बहुत करा हुआ है इसने एंड सही है। करीना सारे सिंगरों को ला रहा है, जितने भी सिंगर है फ्री फायर में मतलब वर्ल्ड में, सबको इकट्ठा कर रहा है, एकदम यूनाइट कर रहा है, जैसे कुछ भी बोलो भाई, सबको ला दिया, के को ला दिया, डिमिट्रिक ला दिया, थीवा ला दिया, आलोक ला दिया, सबसे पहले आलोक ही आया था, उन सबका बाप वही है गाइस। अब जिसका तुमको इंतज़ार था वो वाली घड़ी आ गई है, वो वाली नहीं दूसरी वाली इलाइट पास वाली घड़ी आई है। तो इलाइट पास भी भाई क्या दमदार बनाए नहीं है इन्होंने, बंडल में कांड मार लिया भैंस क्या, कुछ भी बोले। गाड़ी देख लो सबसे पहले, काफ़ी ज़्यादा सही है, बैनर भी कुछ सही है, थोड़ा बहुत सही लगा मुझे, मुझे सेट आता है लड़के वाला को बैनर भी सही, ये भी सही है, थोड़ा बहुत लड़के वाला थोड़ा येलो कलर दिया है, फीमेल बंडल भी हग दिया है भाई, हग दिया, और मैं कुछ नहीं बोलता, आउटफिट सब हग दिया है, ले लो फिर एक तो देखो
कितनी बार भी देखो भाई, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। ये ले लो, ये परांग ले लो भाई, थोड़ा बहुत सही है। ये बस ये देखो टी शर्ट, ये देखो। अब ये स्केटबोर्ड थोड़ा बहुत सही लगा मुझे, मुझे सही लगा, थोड़ा बहुत सही लगा। ये वाला देखो, मेरा फिल भी बेकार है, इसके नहीं है तो बेकार ही हो गया, मतलब क्या वो नहीं है तो। नेड भी, नेड भाई बहुत मस्त है, येलो कलर में जो इन्होंने आर्टे वो कराया ना, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है। पैराशूट भी थोड़ा बहुत सही लगा, एकदम एकदम मस्त। एंड दूसरा नेड है भाई 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 भाई, ये बंडल आ गया। हाँ थोड़ा मैं चलो बोलूँ तो फिर मुझे सही नहीं लगा, एकदम भी सही नहीं लगा बंडल। ये वाला टट्टी है, एकदम 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 टट्टी है, मुझे सही नहीं लगा। सो चलो फिर अगस्त के लाइट पास की, अगस्त वाला लाइट पास कैसे छोड़ सकते हो तुम, उसमें है इमोट। चलो फिर आ जाओ, चलो अगस्त का लाइट पास देखो, मुझे तो बहुत मस्त लगा एंड तुम्हें भी बहुत मस्त लगना चाहिए ब्रो। भाई लोग बंडल्स को छोड़ के सब मस्त लगा है। सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग में गाड़ी देखने मिल जाती है, बगी इसकी स्किन मिल जाती है एंड बैनर रफ्तार, ये जो मिले कपड़े उपड़े तुम्हें गर्ल्स की कैरेक्टर्स के देखने को मिल जाते हैं। ये भी है थोड़ा ठीक ठाक है, कलर मुझे सही नहीं लगा, एकदम एकदम गरीबों वाला कलर है। एंड ये वाला स्टार्टिंग में बंडल भाई, फीमेल बंडल बहुत ही मस्त लगा, मैंने जो बोला वो गलत है। चलो फिर सही है भाई, कभी तो सही लगे। इसकी हेयर मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगे, सेक्सी लगे। एंड इसके जो मतलब कि गॉगल हैं, स्पेक्स हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगे। एंड ले लो छोटी वाली गन, बेकार है। अट निकल 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 निकल, इसे भी वेक्टर की भी स्किन है, इसने ली है लेकिन सही है थोड़ी बहुत ही स्किन है। एंड बैनर भी बहुत सही है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सही देखने को लगा मुझे। एंड अभी तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो इमोट तो देखो तुम, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, फेक डेथ, कांड ऊपर करके फेक डेथ होती है ऐसे करो तो भाई सही है। एंड बहुत सारी तुम्हें चीज़ें को और देखने को मिल जाएंगी जो ऐसे, और ये बंडल्स भी, बंडल थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत ही सही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा सही है, थोड़ा बहुत ही सही है। एंड गाइस जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारे मन में यही साउंड आ रहा होगा अगर जब मैं ये लाऊंगा तो, ये वाला साउंड ना तुम लोग देखने के बाद बोलोगे। सो देखो सामुराय बंडल रिटर्न आने वाला है इंडियन सर्वर में बहुत ही जल्द, और वो जल्द वाली तारीख मैं बता दूँ यार, अभी जो 3 तारीख आ रही है ना, 3rd, उसी तारीख को उसी डेट को आ रहा है। और टॉप अप इवेंट आएगा इसके, इसके साथ ग्लू वॉल भी आएगी इसके साथ, एंड वो लूट बॉक्स होता है ना, आई थिंक सो वो लूट बॉक्स भी आएगा, क्योंकि बैक पैक तो आ चुका है। सो देखो जो भी लाइक नहीं कर रहा लाइक कर दो, शेयर नहीं कर रहा शेयर कर दो, एंड गाली तुम गणमरे भोसड़ी वालों, जो नहीं करेगा वो है। सो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इंटरेस्टिंग ऑसम कॉन्टेंट, प्लीज़ ज्वाइन वीके एम्पायर ऑफिशियल, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।